शांति। इस जीवन में सभी की सबसे बड़ी चाहत एक ही है कि अब हम सभी दुखों से मुक्त हो जाएं और इस जीवन में सुख और शांति का ही अनुभव हो। प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और जीवन में जब अत्यधिक दर्द की अनुभूति होती है तो मन में हम भगवान से एक ही बात करते हैं कि अब हमें मुक्त कर दो, चाहे इस जीवन में दुखों से मुक्त कर दो, और अगर वो नहीं हो सकता तो इस देह से ही मुक्त कर दो, इस जीवन से ही मुक्त कर दो। इसीलिए एक गीतकार ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी गीत की, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले, हमको भी साथ ले ले ईश्वर, हम इस दुनिया में नहीं रह पा रहे हैं। भगवान के ये शब्द हमें अभी अच्छे से जीवन में समझ लेने चाहिए कि मुक्ति का आधार है पापों से मुक्ति। जब तक हम खुद अधर्म से मुक्त होकर के पाप कर्म से मुक्त होकर के स्वच्छ बेदाग नहीं बन जाते, शुद्ध नहीं बन जाते, तब तक ना तो परम धाम में जा सकते हैं और ना ही सुख धाम में जा सकते हैं। वर्तमान समय के जो दुखों का अनुभव हम सभी कर रहे हैं उसका मात्र एक ही कारण है कि अब सभी के कर्मों का फाइनल अकाउंट्स क्लियर हो रहा है। इसलिए जब पिछला क्लियर करने के लिए भगवान हमारी मदद कर रहे हैं कि बच्चे मुझे याद करके तुम मुक्त हो जाओ, मैं ही मुक्तेश्वर हूँ, दुखों से मुक्त करने वाला, पापों से मुक्त करने वाला, विकारों से मुक्त करने वाला मैं ही हूँ। ऐसे समय में हम सभी को बस एक संकल्प बहुत बहुत अच्छे से याद रहे, जो हमने प्रार्थना में भी गाया है कई बार, भूल कर भी कोई अब कोई भूल ना हो।
क्योंकि भूल पर भूल अगर होती रहेगी तो हम मुक्त नहीं हो सकेंगे। ये जाल है, माया का जाल है। इस कलयुग के अंत में हमारी सबसे बड़ी परीक्षा यही है। एक तरफ परमात्मा हमें संपूर्ण पावन बना रहे हैं और दूसरी तरफ इस संसार की माया, विकारों की माया, नाम रूप की माया, शान शौकत की माया, लोभ लालच की माया हमसे बार बार भूलें करवा देती है। और ये माया जाल सीता की तरह हमें रावण की शोक वाटिका में अत्यंत दुख का अनुभव कराता है। इसलिए पूरा दिन एक ही अटेंशन, परमात्मा के सिवाय मेरी नजर और किसी के ऊपर भी नहीं है। परमात्मा के सिवाय मेरा और कोई नहीं है। ये अति शुद्ध संकल्प हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बना देता है। और भगवान का वरदान जो हमें कल ही बाबा ने दिया, टेढ़े रास्ते को भी हम सीधा कर सकते हैं, क्योंकि हम शक्ति अवतार हैं। भगवान के सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। इसलिए अटेंशन रखो, अब कोई भी भूल हमसे ना हो। ओम शांति।